नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा एक पोंछे का डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये रबड़ सीट ली हुई है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है और फोम सीट भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि पोंछों में आजकल लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से इसको ज्वाइंट कर लेता हूँ और फिर सीखते हैं इसका डिजाइन बनाने का तरीका। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो पोंछा है ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसमें डिजाइनिंग करनी है। नीचे की साइड हमारी ये रहेगी और सीधी साइड हमारी यहाँ पे ये रहेगी। डिजाइनिंग हम यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। एक साइड से हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं, 2.5-2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। दूसरी साइड में भी यहाँ पे 2.5 इंच पे सेम आमने सामने निशान लगाते जाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो सिलाई लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और सिलाई की शेप हमारी ऐसे आएगी गोलाई में। मैं एक यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। इस साइड से हमारी सिलाई इस गोलाई में आएगी। फिर इस साइड से इस गोलाई में। ये देखिए, हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है हर निशान के ऊपर। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम आएंगे। अब जो हमारी सिलाई आएगी इस प्रकार आएगी, ऐसे यहाँ पे हमारी पत्ती बन जाएगी गोलाई में। तो यहाँ से हम इस तरीके से लेंगे। और यहाँ पे भी पत्ती बनेगी, ये इसी तरीके की हमारी यहाँ पे पत्ती बन जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे डिजाइनिंग बनाई है पत्ती वाली, अब हम इसके सेंटर में लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। और इस तरीके से हम हल्का हल्का डिजाइनिंग बनाएंगे। इसी तरीके से इस साइड में। तो ये देखिए, हमारी इस तरीके की यहाँ पे डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है पत्तियों के बीच में। अब हमें जो यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे और यहाँ से पत्ती आएगी हमारी ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आएगी। तो यहाँ पे भी हम सिलाई का ध्यान देंगे कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कटवर्क हमारा आ गया है इस तरीके से। सेम ऐसा ही कटवर्क हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे दोस्तों इस साइड में भी कटवर्क अपना डाल दिया है। इसी निशान को हमने पॉइंट बनाया है और यहाँ से पत्ती बनाते हुए इस तरीके की डिजाइनिंग कर दी है। अब फिर से हमें यहाँ पे इसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे सिलाई लेकर के चलना है और ऐसे लेते हुए यहाँ पे एक कटवर्क और बनाना है ऐसे।
यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे निशान लगा के आपको बता रहा हूँ और आगे तक इसी तरीके से मैं यहाँ पे कटवा के डालूंगा। और यहाँ पे हमारा जो ये सेंटर पॉइंट आएगा, यहाँ से हम कोई भी डिजाइनिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने डिजाइनिंग डाल दी है, सेम ऐसी डिजाइनिंग हमने यहाँ पे डालते जाना है और पूरा जो भी गैप है इसको भरते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे यहाँ पे आपको डिजाइनिंग करके दिखाई थी तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी डिजाइनिंग कर दी है और आगे तक हमने जहां जहां पे गैप होता है तीनों जगह, जैसे इधर होगा फिर इधर होगा फिर इधर फिर इधर, तो मैं यहाँ पे एक जो गैप है और आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे कंप्लीट करते हैं, इससे आप अच्छे से सीख जाओगे। यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे कटवर्क बनाए हैं, अब यहाँ से फिर से कटवर्क ऐसे, और यहाँ पे टांका आपका बारीक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारी डिजाइनिंग यहाँ पे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसी तरीके की डिजाइनिंग हमने यहाँ पे डाली है, फिर यहाँ पे डाली है, फिर यहाँ पे, ये चार हैं, एक दो तीन और चार, और ये पांच हमने कंप्लीट कर दिया और ये लास्ट है छठा, तो छठा गैप भी हम इसी तरीके की डिजाइनिंग में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पूरी डिजाइनिंग हमने यहाँ पे बहुत प्यारी सी की है। तो दोस्तों पोंचे का डिजाइन हो गया है हमारा यहाँ पे कंप्लीट, और जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिजाइनिंग बताई थी सेम वैसे ही हमने यहाँ पे डिजाइनिंग कंप्लीट की है, और आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी कटवर्क के साथ में हमने यहाँ पे ये डिजाइनिंग कंप्लीट की है इस तरीके से ऐसे, और पूरा पोंचा हमारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे रेडी हो जाएगा जैसे आपको मैंने सिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।